करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मैनपुरी में छात्रा की कथित खुदकुशी केस में कार्रवाई। आपको बता दें कि डीजीपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले का संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने की है कार्रवाई। तत्कालीन एएसपी मैनपुरी वर्तमान एएसपी एटा ओम प्रकाश सिंह सस्पेंड किए गए। तत्कालीन संबंधित सीओ वर्तमान सीओ भदोही प्रियांक जैन सस्पेंड किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनपुरी में छात्रा की कथित खुदकुशी केस में और डीजीपी ने हाईकोर्ट मामले का संज्ञान लिया और इस मामले का संज्ञान लेते हुए मैनपुरी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें तत्कालीन एएसपी मैनपुरी वर्तमान एएसपी एटा ओम प्रकाश सिंह सस्पेंड किए गए। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता रहा कि लगातार और हाईकोर्ट जो है डीजीपी के से काफी नाराज था। हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने डीजीपी को काफी फटकार लगाई है। उन्होंने कार्रवाई न करने पर भी नाराजगी जताई है और साथ ही साथ उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, जिसके बाद अब डीजीपी ने कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि घोर लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान काफी नाराज हुआ था। एफआईआर लिखे जाने से लेकर के एफआईआर में जो भी तथ्य बताए गए थे उसको लेकर के भी हाईकोर्ट नाराज था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने सब निर्देश दिया, जिसपे डीजीपी ने मैनपुरी डीजीपी ने तत्कालिक एएसपी मैनपुरी वर्तमान एएसपी एटा ओम प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वह तत्कालिक संबंधित सीओ जो की वर्तमान भदोही में है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल अमित, देखा जा रहा है जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आगे और क्या देखा जा रहा है इस पूरे मामले में? लेके बात करें तो हाईकोर्ट पूरी तरीके से इस मामले में अपनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से जब से एफआईआर हुई जब से मामला हुआ तब से समझ रहा है, याचिका डाली गई जिसके बाद हाईकोर्ट ने तत्काल इस पर खुद सारी चीजें का जानता तो जांच कर रहा है, जिसके बाद डीजीपी को बुलाया गया। यहाँ तक हाईकोर्ट को यह भी कहना पड़ा कि डीजीपी को दो दिन इलाहाबाद में रहना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई लेट में नहीं हो सकी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इतनी नाराजगी दिखाई कि हाईकोर्ट ने जो अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखा गया था उस एफआईआर की कॉपी को भी डीजीपी को पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट से नजर बनाया हुआ है और अभी तो ये कुछ ही अधिकारियों की कार्रवाई हुई है और जो भी लापरवाही बरते होंगे उन पर भी ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अमित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।